हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज की वीडियो क्यू एन ए पार्ट 4 है और इसमें जितने भी कमेंट्स करेंटली आए हैं और पहले के थे वो सारे मैंने कवर किए हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है एक एक डीपली। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी जो जो समस्याएँ हैं सबका समाधान मिल जाएगा। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बीच बीच में क्यू एन ए वीडियोज़ बनाते रहना पड़ता है क्योंकि लोगों की क्वेरी पूरी होती रहनी चाहिए और जो जो उनके सवालों के जवाब हैं वो मैं देता रहूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, लाइक दिस कमेंट, लखनऊ जू, फेस वीडियो बनाइए। बिल्कुल फेस वीडियो ज़रूर बनाएंगे सर, लखनऊ जू पर भी वीडियो बनाइए। अच्छा, इनका पहला कमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार जाऊँगा ज़रूर लखनऊ जू और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा वहाँ की, और बताऊंगा भी आपको कि अभी करंटली वहाँ पे कौन कौन से पेट्स और कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो एक बार तो ज़रूर वहाँ का व्लॉग बनाएंगे। और ये देखिए, इनका गिनी पिग चिपचिपी पॉटी कर रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, चिपचिपी पॉटी गिनी पिग तब करते हैं जब वो कुछ लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है, पत्ता गोभी या फिर गोभी के पत्ते और भी कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और अगर हम अपने गिनी पिग्स को ये सब चीज़ें फीड करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि उनकी जो पॉटी होती है वो गीली होने लगती है, चिपचिपी होने लगती है, यानी कि उनके अंदर सर्दी बैठ जाती है और वो धीरे धीरे ऐसी गीली पॉटी करने लगते हैं और उनका डाइजेशन सिस्टम भी ख़राब होने लगता है। तो तरीका ये है कि जब आप देखें अपने गिनी पिग में कि वो गीली पॉटी कर रहा है तो उसको उस दिन के लिए फीड में सिर्फ ग्रास दें और कुछ ना दें, और उसके जो पानी की सिपर या बॉटल है या बाउल है उसमें एक कैप्सूल आती है बेकासूल, आप वो थोड़ा सा बिल्कुल मिला दें। तो जब भी वो उसको पिएगा और पूरे दिन में जब वो पूरा पानी पी जाएगा ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा, और कुछ भी नया फीड ना दें उसको। और यहाँ देखिए, भाई मेरा गिनी पिग 10 दिन हो गया है। हाँ, इनका एक्चुअली कमेंट मैंने पहले भी पढ़ा था, इनका गिनी पिग इनसे डर रहा है और ये सिंगल गिनी पिग लाए हैं। तो देखिए ब्रदर, आपका गिनी पिग अगर आपसे डर रहा है तो ये नेचुरल है। आप कोई भी पेट या कोई भी गिनी पिग लाएंगे तो उसको नॉर्मली महीना भर लग सकता है आपको पहचानने में, आपकी स्मेल पहचानने में, आपके हाथ को पहचानने में और आपके घर का जो इन्वायरमेंट है वो पहचानने में। और ये देखिए कमेंट है, भाई गिनी पिग को खाने में किस टाइप की ग्रास देनी चाहिए? देखिए, ग्रास कई टाइप की होती हैं, जैसे टिमोथी हे ग्रास होती है, अल्फ़ा हे ग्रास होती है, और कई सारी घासों की नस्लें हैं जो हम गिनी पिग्स को, रैबिट्स को और जो भी घास खाने वाले हमारे पेट्स होते हैं उनको हम खिला सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कौन से एरिया से हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में जब रहता था तो वहाँ पे हमें हे ग्रास और जो गार्डन ग्रास होती है जिसको हिंदी में दूब भी कहते हैं वो बड़े आसानी से मिल जाती है, और इस समय मैं लखनऊ में हूँ तो लखनऊ में हे ग्रास मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे गार्डन ग्रास जो है जिसको दूब कहते हैं ये बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो आप ये भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी चारा नहीं है किसी भी टाइप की ग्रास देने का तो आप उनको जो नॉर्मल गार्डन ग्रास है यानी कि दूब, आप वो दे सकते हैं। आप 3 दिन की क्वांटिटी ले आइए, यानी कि आपके पास मान लीजिए बाई चांस आपके पास एक पेयर रैबिट या फिर एक पेयर गिनी पिग है और आपको 3 दिन की क्वांटिटी लानी है, और आप अपने एक पेयर गिनी पिग को एक बार में एक मुट्ठी भर के घास देते हैं, तो दिन में अगर आप 4 बार देते हैं तो 4 मुट्ठी के हिसाब से लगा लीजिए आपको 12 मुट्ठी या फिर 12 मुट्ठी 15 मुट्ठी घास लेकर आनी है, और फिर उसके बाद वो 3 दिन तक आपकी चल सकती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 3-3 दिन के गैप पे आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार लाना होगा। तो यहाँ देखिए, इनका ये कमेंट है, मेरे पास 2 गिनी पिग्स हैं, फीमेल है वो बड़ी हो नहीं रही है और जो मेल है वो बहुत बड़ा हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब भी गिनी पिग लेकर आते हैं तो पेट स्टोर वाले से आप जब भी एज पूछते हैं तो वो सेलर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गिनी पिग की क्या एज है और वो एक ही ब्रीड के हैं कि नहीं है। तो आपके गिनी पिग के साथ ये भी हो सकता है कि वो एक मदर फादर से ना हो
और दूसरा ये भी हो सकता है कि सेम एज ना होने की वजह से उनमें साइज़ का अंतर हो, लेकिन इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि साइज़ का अंतर है तो वो ब्रीड नहीं करेंगे या क्या होगा। और ब्रीडिंग वो तभी करेंगे जब वो ऑन हीट होंगे, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि गिनी पिग का साइज़ छोटा बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, दूसरी बार या तीसरी बार मैं जब गिनी पिग लेकर आया था ख़रीद के, तो उस यूनिट में हुआ ये था कि मेरी जो फ़ीमेल गिनी पिग थी वो बहुत बड़ी थी मेल से, और मेल शायद उससे महीना दो महीना छोटा ही था, लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुली ब्रीड हुई और काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न के उसमें बच्चे निकले हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। अगर गिनी पिग को सर्दी लग जाए तो क्या करें? देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि गिनी पिग को सर्दी लगी है इसका कैसे पता करेंगे? आपके गिनी पिग को सबसे पहले गीली पॉटी होना शुरू हो जाएगी, उसको सर्दी लगते ही उसका पेट ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि गिनी पिग को जब एक तरीके का हम अगर कहें कि फ़ीवर, तो गिनी पिग बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने लगता है और फिर उसके बाद वो बिल्कुल फ्रीज़ होने लगता है, वो जमने लगता है। तो अगर इस लेवल तक का आपके गिनी पिग के साथ हो रहा है तो फ़ौरन आप उसको किसी गर्म जगह रखिए, आपके पास हीटर है तो हीटर लगाइए और फिर उसको गर्म करिए, और जो उसका केज का सेटअप है वो पूरा कपड़े से कवर करिए, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ, और मैं रेगुलर भी उनको पूरे दिन ढक के रखता हूँ, ताकि जब तक सर्दी नहीं चली जाती है तब भी उनको ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मौसम कभी भी ऊपर नीचे टेम्परेचर हो जाता है और रिस्क लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा मुसीबत का काम है। तो अगर बाई चांस सर्दी लग जाती है तो आप पहले तो उसका सेटअप कवर करके रखें, और उसको दवा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको कवर करके रखेंगे वो ठीक हो जाएगा। और अगर सर्दी लगी है तो प्लीज़ उसको लिक्विड वाली चीज़ें ना खिलाएं। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास 2 फिट का टैंक है। तो देखिए, ये वीडियो जो थी ये रेनबो शार्क के ऊपर थी, और मैंने पूरी इसमें केयर और सब कुछ डिटेल बताई थी। और पहले जैसा कि यहाँ पुराने सब्सक्राइबर पुराने व्यूअर्स होंगे वो उनको पता भी होगा कि मेरे पास पहले फिशेस भी थी, और प्लैनेट ब्लू की स्टार्टिंग ही मैंने मछलियों से की है। तो रेनबो शार्क बहुत ही गजब की मछली है। अगर आपके पास 2 फिट का टैंक है और आप उसमें रेनबो शार्क ही रखना चाहते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, और जब इसका फुल साइज़ हो जाएगा तो बहुत गजब लगती है देखने के लिए, तो आप रख सकते हैं चाहे तो। ये देखिए, ये कैट वाले शॉट पे इन्होंने बताया है, इनकी कैट का नाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा गिनी पिग आवाज़ नहीं निकाल रहा है, क्या करूं? देखिए, इससे कोई भी मतलब बुराई या फिर अच्छाई नहीं है कि गिनी पिग आवाज़ निकालता है तो अच्छा है या नहीं निकालता है तो बुरा है। गिनी पिग आवाज़ अपनी मर्ज़ी से निकालता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास वो अकेला है या पेयर में है, या फिर आप उसको टाइमली फीड दे रहे हैं। और अगर टाइमली फीड दे रहे हैं तो उसको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी आवाज़ निकालने की, कि उसको आवाज़ निकाले वो और आप फीड लेकर आएँ। और अगर आवाज़ नहीं निकाल रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो ठीक ठाक है और आवाज़ वो निकालेगा। अभी शायद वो आपका नया गिनी पिग हो, और ये भी हो सकता है कि वो अभी छोटे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि जहाँ से आप उसको लेकर आए हों वहाँ पे भी फीड अच्छे से कराई जाती हो, तो उतनी ज़रूरत उसको महसूस नहीं होती होगी। गिनी पिग का ब्रीडिंग प्लेस कितना बड़ा होना चाहिए? देखिए, गिनी पिग का ब्रीडिंग प्लेस आप एक नॉर्मल केज सेटअप रखिए, 18 से 2 फिट का, या 18 इंच से 2 फिट तक का उसको रखिए। और इतना बड़ा केज सेटअप रखने में ये है कि उनको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा, उनके लिए फीड बहुत अच्छी रखिए। और देखिए, स्पेस आप जब भी रखते हैं तो चाहे वो 2 फिट का हो, चाहे 1.5 फिट का हो, या फिर 3 फिट का सेटअप रखते हैं, सेटअप रखते समय ध्यान रखें कि वहाँ पे बहुत ही क्वाइट प्लेस, बहुत शांत जगह हो, बार बार कोई छेड़खानी वहाँ पे ना हो, और कोई अगर घर में बच्चा है तो बार बार उनको निकाले ना, उनको बार बार छेड़े ना। और फिर जगह चाहे कितनी भी बड़ी होगी वो ब्रीड करेंगे, सक्सेसफुली ब्रीड करेंगे। और ये देखिए, थैंक यू। सिंगल गिनी पिग लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? सिंगल में देखिए, मैंने कई बार कमेंट में बताया भी है वीडियोज़ में, और कई लोगों के कमेंट हैं सिंगल गिनी पिग के बारे में। सिंगल देखिए आप पाल सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बच्चा ना लाएं, आप महीने भर का वो हो जाए जब तब लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और सिंगल गिनी पिग पालते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, आपको बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा उसकी फीडिंग का और सब कुछ। क्योंकि गिनी पिग देखिए, न्यूजीलैंड में क्या है, गिनी पिग सिंगल हम रखते हैं तो वो बैन है,
और यहाँ इंडिया का तो खैर ऐसा कोई नियम ही नहीं है गिनी पिग्स को लेके, लेकिन ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही शांत और कहा जाए तो बहुत अजीब टाइप के हैं ये, जैसे कि गाय। तो इन लोगों का ध्यान रखें, सिंगल ना ही पालें तो ज़्यादा अच्छा है, आप इनको पेयर लें, भले ही सेम जेंडर का ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। गिनी पिग को लूज़ मोशन हो रहा है, देखिए गिनी पिग को लूज़ मोशन हो रहा है तो मैंने दवा इसकी पहले भी बताई है, और ग्रास दें इनको, और जो मैंने दवा बताई है बीकासोल आप वो दे सकते हैं। पूरा पानी पी जाने के बाद एक दिन के अंदर अंदर ही आपका गिनी पिग ठीक हो जाएगा, बस उस दिन ग्रास फीड करें और कुछ भी ना दें। हाउ टू ट्रेन योर गिनी पिग, देखिए गिनी पिग को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले तो हम कोई भी पेट पालते हैं तो उसको हैंड फीड कराएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा। और सबसे पहले ये बात डिपेंड करती है कि आप उसको बच्चे से पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं। अगर आप उसको बच्चे से नहीं पाल रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी कि वो ट्रेंड कैसे करें आप उसको। देखिए इन्होंने कमेंट किया है नखास वाली वीडियो पे कि प्लांट मार्केट कहाँ है। देखिए जब मैं तो खैर चार बाग से जाता हूँ, चार बाग से होते हुए तो प्लांट मार्केट जब आप नखास में एंटर करेंगे तो मुझे जगह का नाम प्रॉपर अभी पता नहीं है, हम लोग लखनऊ में अभी क्योंकि नए नए हैं, तो जब आप चार बाग से जाएंगे और नाका आपने सुना होगा, नाका और इधर से होते हुए जब आप नखास की ओर जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही प्लांट मार्केट पड़ेगी। और अगर आप नखास पेट मार्केट भी पहुंच जाएंगे, वहाँ किसी से पूछेंगे कि मुझे प्लांट मार्केट जाना है, तो वो वैसे भी आपको बता देगा। नखास की ये जो पेट मार्केट है वहाँ से आपको लेफ्ट साइड की ओर सीधा जाके फिर लेफ्ट की ओर मुड़ना है मस्जिद की ओर, तो वो प्लांट मार्केट आपको मिल जाएगी। देखिए राधे राधे भैया जी, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, आई एम फ्रॉम मथुरा, वेलकम वेलकम, थैंक यू। भाई हैमस्टर कहाँ मिलेगा? हैमस्टर देखिए एक्चुअली मैं हैमस्टर लाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, और हैमस्टर की दोनों ब्रीड्स लाऊंगा मैं, बहुत ही गजब के बहुत ही मस्त पेट हैं। लखनऊ में अगर किसी को चाहिए होंगे हैमस्टर्स तो वो वीडियो पे कमेंट कर सकता है, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। और गिनी पिग्स भी सेल करेंगे, कई लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हैं मैसेज में गिनी पिग के बारे में कि वो लेना चाहते हैं और लखनऊ के ही हैं। तो देखिए गिनी पिग भी मैं सेल करूँगा, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी थोड़ा सा इन पे भी काम चल रहा है, सीखना है, आप लोगों को भी बताते रहना है, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो थोड़ा यूनिट बढ़ जाएगी, उसके बाद मैं सेलिंग शुरू कर दूंगा। और फिर रैबिट्स की भी एक से एक नस्लें, तो हैमस्टर में लेकर आऊँगा, आपको आप में से किसी को भी चाहिए हो तो आप लोग बता सकते हैं। गिनी पिग केज मेट कैसे बना, इस पर तो मैंने वीडियो बना दी थी, थैंक यू भाई आपकी वजह से एक वीडियो का टॉपिक बन गया, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।